आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टूर्नामेंट डिटेल्स के बारे में। आज फाइनल डे है, फिर कुछ अपकमिंग टूर्नामेंट भी अनाउंस हुआ है, अंडरडॉग के लिए टूर्नामेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं पहले फियरलेस ई स्पोर्ट्स से, जिसका कल डे टू लीग स्टेज खत्म हो चुका था और स्टैंडिंग्स देख सकते हो, टीम एक्स स्पार्क टॉप पे है 103 पॉइंट्स। आराम से जीत सकते हैं आज यहाँ पे, हर एक टीम तीन मैच खेलेगी तो मेरे हिसाब से चैंपियन बन चुके हैं लीग स्टेज का। सेकंड पे एफएसई स्पोर्ट्स 57 पॉइंट, फिर टीम तमिलास 50, फिर लिम्रा है, फिर गॉडलाइक है, कल अच्छा गेम गया था, फिर आरू, अलीबाबा रेडर्स एंड कार्निवल। तो कोई भी टीम हैशटैग 2 पे एंड कर सकते हैं। क्या लगता है कौन सी टीम हैशटैग 2 आएगी? मैंने आपको बताया था लीग स्टेज का भी प्राइज मनी है 150K का। देखते हैं कौन सी टीम हैशटैग 2 और हैशटैग 3 आती है। सेकेंड चार्ट तो इनसेनी स्पोर्ट्स 9th पे, फिर वशिष्ठा, THW, एनिग्मा, रेवन, TWOB, गुजरात टाइगर एंड K9 ई स्पोर्ट्स। ये है अभी टॉप 16 टीम्स, लेकिन इसमें यहाँ पे बोलोगे तो टॉप 13-14 टीम्स यहाँ पे तक सेफ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। और थर्ड चार्ट देखोगे तो वॉकआउट से 17th पे, फिर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, 8-bit, हेक्टर, राइवलरी, हैदराबाद हाइड्रास, जेनेक्स FM एंड टीम जीरो। ये है टॉप 24 टीम्स डे टू के बाद। और जो अभी बाहर है वो देख सकते हो, NTT, सीक्रेट, ओरंगुटेन, रेकनिंग, WSB, IQ सोल, फियरलेस ईस्पोर्ट्स एंड विंडगॉड। तो ये टीम्स को आज कमबैक करना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि यहाँ पे चैंपियन तो हम लोग को पता है टीम एक्स स्पार्क बनेगी लीग स्टेज का, लेकिन साथ में टॉप 24 टीम्स सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्या लगता है कौन सी टीम लास्ट चार्ट से कमबैक करेगी? चांसेस है IQ सोल का, देखते क्या रहेगा। एंड फिर इसी के साथ यहाँ पे MVP रैंकिंग देखोगे तो निंजा जॉड, सारंग, स्प्रे गॉड, भाई तीनों TX से, ऑब्वियसली TX बहुत ही खतरनाक खेली है इसमें, फिर अक्षत है कार्निवल से और ड्रैगन OP है लिम्रा से। यस, ये हो गया एक टूर्नामेंट जो कि आज सेम 1 PM पे स्टार्ट हो जाएगा, YouTube पे होता है। कुछ लोग पूछते हैं कहाँ पे होता है, तो भाई आप लोग मेरा WhatsApp चैनल भी फॉलो रख सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ या फिर मैं वीडियो में बताता हूँ। फियरलेस ई स्पोर्ट्स वही चैनल का नेम है। तो ये हो गया एक। सेकेंड है अपथ्रस ई स्पोर्ट्स, लेकिन उसके पहले एक न्यूज़ ये है कि जो कल OG का यहाँ पे लाइनअप था उसमें वापस से एस खेलते हुए देखने को मिले। तो क्या वापस से यहाँ पे OG के एस, AQOP, विजगॉड साथ में लाइनअप बना रहे हैं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी BGIS खत्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे टीम्स में चेंजेस होना बाकी है, BGIS के बाद ही कोई चेंजेस फिक्स होगा। तो मे भी अभी यहाँ पे साथ में खेल रहे हैं, वो फिक्स नहीं है। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट बात कर रहा था, अपथ्रस ई स्पोर्ट्स का स्क्रीम्स जो कि डेली होता है, कल भी हुआ था, और कल तो भाई एक प्लेयर बैन खा गया था, और वो कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था, BGIS सेमीफाइनल्स की एक टीम थी NIY ई स्पोर्ट्स, कल मैंने वीडियो बनाकर बताया था। क्यों बैन खाया वो तो भाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था उनका अकाउंट को, तो एक नोटिस आया था एक प्लेयर को कि यहाँ पे जिसको रिपोर्ट किया गया है वो 10 साल के लिए बैन किया गया है, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था। और जो यहाँ पे प्लेयर है वो कल ही, एक दिन पहले ही एक न्यू डिवाइस उसको मिला था और कल उसको बैन मिल गया। अब देखो, मान लेते कि यहाँ पे कल वो चीट नहीं कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे वो POV शेयर किया था, स्नेहिल ने अपलोड भी किया था जो जिस मैच में वो उसको बैन मिला था, तो POV में उतना कुछ खास नहीं था, ना ही वो किसी बंदा को मारा, लेकिन ऑब्वियसली जो बैन मिलता है खासकर 10 ईयर का बैन, तो रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे चेक किया जाता है और अकाउंट में कुछ यहाँ पे पास में गड़बड़ किया गया हो तो ही बैन दिया जाता है। तो ऑब्वियसली अभी ये कुछ गड़बड़ किए हैं तो इसलिए बैन मिल चुका है। अब देखते हैं क्राफ्टन का क्या डिसीजन रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ये सेमीफाइनल्स की एक टीम है जिनका मेन प्लेइंग फोर का एक अकाउंट बैन खा गया है 10 साल के लिए, अब तो वो खेल नहीं पाएंगे। क्या एक्शन रहेगा देखते हैं, अब यहाँ पे आज या कल तक पता चल जाएगा। और ग्रुपिंग क्या है कुछ लोग पूछ रहे सेमीफाइनल्स का, तो भाई अभी तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कल मैं वीडियो में बता दूंगा क्या ग्रुपिंग होने वाला है, कौन सी टीम्स का सेमीफाइनल्स में कैसा मैचेस रहेगा, क्योंकि कल से तो BGIS सेमीफाइनल्स स्टार्ट होने वाला है। यस, तो वेट कर लो, चैनल से बने रहो। और जो यहाँ पर ये प्लेयर बैन हुआ उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टीवन प्लेयर्स ने स्टोरी लगाया था, जैसे ऑस्टिन ने लिखा, स्क्रीम्स में हैक्स की टेस्टिंग चल रही है, चिल गाइस, BGIS में परफॉर्मेंस देखो बस। ऑब्वियसली यहाँ पर ये ट्रोल कर रहे हैं। एंड उसके बाद फियर्स इस चीज़ को शेयर किए जहाँ पे ये नोटिस था, सैनो ब्रिज कैंपर्स लमाओ। भाई ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेयर बैन खाया है तो ट्रोल तो बनता ही है। एंड इसके साथ यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, जो स्क्रीन्स में बैन खाया है तो वो आज भी होगा। अब तरह ई स्पोर्ट्स का स्क्रीन्स चल रहा है जो कि 6 PM तक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारी T1 टीम्स खेलती है, स्पेशली सेमीफाइनल्स की टीम्स में खेल रही है। ये आज भी फाइनल खत्म हो जाएगा, मतलब फाइनल डे होगा क्योंकि कल से तो BGIS है। और रात में होता है TDM बैटल डार्क साइड ई स्पोर्ट्स का, जिसका कल डे 1 सेमीफाइनल्स खत्म हुआ था। आज सेमीफाइनल्स का फाइनल डे खत्म हो जाएगा,
जिसमें कुछ टीम्स क्वालिफाई करेगी ग्रैंड फाइनल्स के लिए जो कि नेक्स्ट वीक मंडे को होगा। तो ये हो गया तीनों टूर्नामेंट डिटेल। अभी बात करते हैं एक अपकमिंग टूर्नामेंट जो कि आने वाला है। तो देख सकते हो ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ग्लेजर गेम्स जिसका यहाँ पे एक टूर्नामेंट है बैटल ऑफ रिवोल्यूशन सीजन 3। तो इसका एक ट्रेलर पोस्ट हो चुका है जिसमें वो बताया है कि ये जल्दी ही आने वाला है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट है, प्राइस मनी यहाँ पे रिवील किया है 500K, मतलब 5 लाख, और इसमें अंडरडॉग टीम्स का मौका मिलेगा। तो आप लोग पेज को फॉलो रखो क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप लोग रजिस्टर करके खेल सकते हो और इसमें T1 टीम्स भी आएगी। तो यस, अच्छा मौका है। तो ये हो गया टूर्नामेंट डिटेल्स, और जो मैंने बता दिया BGIS कल से स्टार्ट होगा, तो कल सुबह मैं वीडियो बना दूंगा जहाँ पे समझा दूंगा क्या ग्रुपिंग होने वाला है, कैसा फॉर्मेट होने वाला है। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।